हम लोग यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, जो भी हो, ग्रुप डी हो, सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न कैसे आते हैं, यानी कि पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू है तो एक्स का पावर 17 यानी एक्स के पावर 17 और प्लस 1/x^19 के मान निकालें। कह रहा है प्रश्न कि यदि एक्स प्लस 1/x = 2 है तो एक्स के पावर 17 या प्लस 1/x^19 = what का होई। तो बहुत आसान है यहाँ पे, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए जब भी एक्स प्लस 1/x = 2 दिया हो, जब भी x प्लस 1/x = 2 दिया हो तो x इक्वल 1 मान लिया जाता है। क्या x इक्वल 1 मान लेना होगा। देखिए x प्लस 1/x = 2 है तो x इक्वल हम लोग 1 ले लेते हैं। ये देखिए ये ट्रिक है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। यदि -2 रहेगा तो x इक्वल आप क्या लीजिएगा, -1 लीजिएगा, x इक्वल -1 लीजिएगा। यदि -2 रहता है तो -1, लेकिन यहाँ पे +2 है तो x इक्वल 1। तो ऐसे भी देख लीजिए, इसको वेरीफाई भी कर रहे हैं, 1 x का 1 रखेंगे, 1 रखेंगे प्लस 1/x = 1 = 2, 1/1 तो 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 2 = 2, वेरीफाई भी हो गया। अब जब x का वैल्यू 1 तो यहाँ x के स्थान पे 1 ही ना रखेंगे, तो क्या करेंगे, 1 का पावर कितना 17 प्लस 1/1 के पावर कितना 19, ठीक। तो 1 का चाहे 10,000 करोड़ों अरबों पावर कर दीजिए तो एक ही वैल्यू होगा, ये 1/1 यानी एक ही होगा, तो इसका भी वैल्यू कितना आया 2। तो इस ऑप्शन में 2 कौन है, तो इस ऑप्शन में जो 2 है वो है सी, ऑप्शन सी सही है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिएगा। एक्स प्लस 1/x = 2 हो तो √x + 1/√x = what, ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें से कौन सही होगा। तो पहले ही आप जान चुके हैं कि जब x प्लस 1/x = 2 प्लस में है तो x इक्वल क्या माना जाता है, 1, x इक्वल 1 दिमाग में रख लीजिए, डायरेक्ट x इक्वल 1, क्योंकि 1 प्लस 1 2 है। अब यहाँ 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 √1 + 1/√1, तो 1 + √1 = 1 / √1 होगा, तो 1, तो ये आ गया 2। तो इसमें भी सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 है, ऑप्शन बी सही है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, तो क्वेश्चन आपके सामने है प्रश्न संख्या 3। यदि एक्स प्लस 1/x = 2 हो तो 11 + 4x - 5x² / 4 + 2x - x² = what, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए 0 - 2 यानी कि ए 0 है, बी -2 है, सी -3 और डी 2 है, तो इन चारों में से सही कौन है। तो सही जो है उसको हम लोग निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे निकालते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, वही सेम ट्रिक। प्लस यानी कि x प्लस 1/x = 2 है तो x का क्या मानेंगे, x इक्वल क्या होगा, 1, x इक्वल 1 मानिएगा ना। अब x जहाँ जहाँ है वहाँ 1 रख दीजिए, तो 11 + 4 × 1 हो जाएगा कि नहीं, 11 + 4 × 1 - 5 एक का स्क्वायर पावर 2/4 + 2 × 1 - 1 के पावर 2। अब 11 + 4 = 4
ग्यारह चार एकम चार माइनस पाँच एकम पाँच बट्टा चार दो एकम दो चार दो छः माइनस एक। यहाँ ग्यारह चार पंद्रह में से पाँच गया दस, पंद्रह में से पाँच गए दस ठीक, आ छः में से एक गए पाँच ठीक। तो छः में से एक गए पाँच तो यहाँ हो गए पाँच दूनी दस, तो कितना आई आंसर दो। तो दो जब आंसर आ गई दो तो ऑप्शन डी सही बनू। अरे ऑप्शन डी सही है।